अब बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट हैज डुअल नेचर। देखिए लाइट की जो नेचर है वो डुअल नेचर है, और जैसे कि इट्स शोज द प्रॉपर्टी बोथ ऑफ वेव एंड पार्टिकल। यानी लाइट के कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि भाई वो पार्टिकल नेचर को दिखाता है। अगर हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट के अंदर एक पार्टिकल, जो बेसिक पार्टिकल माना जाता है लाइट का, वो हम मानते हैं फोटोन। लेकिन लाइट के ना कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं, जैसे कि डिफ्रेक्शन आएगा आपकी हायर क्लासेस में, या पोलराइजेशन आएगा, कुछ इस तरह के फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं करे जा सकते, लेकिन वेव नेचर पे एक्सप्लेन करे जा सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने ये कंक्लूड किया कि लाइट विल बी अज्यूम्ड एज हैविंग अ डुअल नेचर, कि ये पार्टिकल नेचर भी है इसका और वेव नेचर भी है। लाइट एनर्जी प्रोपेगेट्स और ट्रेवल्स वाया टू प्रोसेस, ठीक है, दोनों प्रोसेस हैं, मतलब पार्टिकल की फॉर्म में भी, फोटोन की फॉर्म्स में भी। अगर हम लाइट की बात करते हैं, तो लाइट को वी कैन से अ बंडल ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स के बंडल की तरह भी कह सकते हैं उसको, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह भी हम लाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ई एम, और इसकी जो प्रोपेगेशन है वो क्या है, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये क्या है, ई, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर हम जैसे बनाते हैं मैथमेटिक्स में, एक एक्सिस ऐसे होगी लाइक दिस, एक्स वाई एंड जेड। द फॉर्मूला, अगर हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्लास 9th में हमने साउंड के चैप्टर में देखा था, वही यहाँ पे भी है, क्योंकि ये वेव की तरह चलती है। तो वी क्या है, स्पीड है, और एफ फ्रीक्वेंसी है, एंड लैम्डा इज द वेव लेंथ। द पार्टिकल ट्रांसमिट एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल्स, एंड इन दिस वे एनर्जी प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। वेव में क्या होता है, वेव कैसे प्रोपगेट करती है, कि एक मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी अपने साथ वाले पार्टिकल को देते जाते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से करते करते हमारी वेव प्रोपगेट होती है। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि जब एक स्टोन को हम वाटर के अंदर, पॉन्ड के अंदर थ्रो करते हैं, तो उससे एक पैटर्न जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेव। जो लाइट है हमारे पास, दैट प्रोपगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है और वो बैंड नहीं होती है। इस वेलोसिटी इज मैक्सिमम 3 × 10⁸। ये पावर में है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है हमारे पास, ये वैक्यूम की होती है, 3 × 10⁸ अगर एग्जैक्टली बात करते हैं। और अगर हम एयर में बात करते हैं, तो फिर वो इतनी होती है, 297 एंड दिस मच, 489978 मीटर पर सेकेंड। लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। जैसे साउंड को एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, ऐसे लाइट को एक मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा होता, तो सनलाइट जो हमारे पास सन से आ रही है, जो इतनी दूर है, तो वहां पे तो वैक्यूम है बहुत सारे एरिया में। अगर एटमोसफेयर की बात भी करते हैं, तो वो भी अर्थ के आसपास ही मिलता है, उसके बाहर तो एटमोसफेयर है नहीं। तो फिर तो लाइट हमारे पास आती ही ना कभी भी, और अर्थ पे लाइव ही ना होती। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे हमें पता लगता है कि जो लाइट है हमारे पास, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। वो एक पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई एक वेवलेंथ नहीं है, क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स इज देयर। चलिए, इसमें फर्स्ट है कि पेनिट्रेट अर्थ एटमोसफेयर और नॉट, यानी कि जिन फ्रीक्वेंसीज की हम बात कर देंगे, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इनमें से कौन से वाली ऐसी हैं जो हमारे एटमोसफेयर को पेनिट्रेट करती हैं, या फिर ये कहो कि हमारे एटमोसफेयर तक पहुँचती हैं। पेनिट्रेट करने का मतलब ये है। तो जो रेडियो वेव है हमारे पास, वो क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं और पहुँचती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो जो रेडियो सिग्नल्स हमारे हम ट्रांसमिट करते हैं और उनको कैप्चर करते हैं, तो वो नहीं होता। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ये सब हमारे पास नहीं होती है, इंफ्रारेड भी पेनिट्रेट नहीं होती है। विजिबल लाइट ये तो ऑब्वियसली होती है, तभी तो विजिबल लाइट यहाँ पे आती है। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये चीज़ें हमारे पास एटमोसफेयर में नहीं आती हैं,
यूवी रेडिएशन का कुछ पार्ट डेफिनेटली आता है, ये आपको पता है, और उसका रीजन क्या है, ओजोन लेयर का वीक होना। ओजोन लेयर वीक हुई है उससे यूवी रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में आने स्टार्ट हो गए हैं एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ कैंसर। नाउ दिस इज द रेंज इन मीटर ऑफ दोज वेवलेंथ्स। रेडियो वेव की लेंथ आपके पास 10^3, 10^-2, -5, 5×10^-6, 10^-6, 10^-8, 10^-10, 10^-12। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि जो वेवलेंथ है आपकी वो छोटी होती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेवलेंथ आपकी कम होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अबाउट द साइज, बिल्डिंग के साइज का अगर इन वेव्स की बात करते हैं तो ये क्योंकि प्लस में है ना आपके पास, ये प्लस में है, तो अबाउट द साइज बिल्डिंग जो है हमारे पास बिल्डिंग के साइज की होंगी, ये ह्यूमन के साइज की होगी, हनी बी के साइज की, पिन पॉइंट प्रोटोजोआस मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो ये हमारा एक एनालॉजी है जिसको हम मान सकते हैं कि हमारी जो वेव्स हैं वो इसके एनालॉगस होती हैं। फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं आप, इनकी फ्रीक्वेंसी 10^4 हर्ट्ज़, 10^8, 10^12, 15, 16, 18, 20। वेवलेंथ सबसे कम यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज एमिटिंग वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है हमारे पास जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, तो इन सब को जो बॉडीज एमिट करती हैं, रेडिएट करती हैं, उनका टेम्परेचर किस रेंज में होता है, ये देखिए 1 केल्विन, 100 केल्विन, 10,000 और मिलियन डिग्री केल्विन। दीज आर द स्पेक्ट्रम,